वैसे तो भारत की राजनीति में हर रोज छोटे बड़े बयान आते रहते हैं लेकिन जब कोई ऐसा नेता बयान देता है जिसके बयान से हम भारत की भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा को पहचान सकते हैं महसूस कर सकते हैं तो उस बयान के मायने एक अलग हो जाते हैं आज ऐसे ही लोकसभा सत्र के अंतिम दिन मुलायम सिंह यादव जी ने मोदी जी की टीम के लिए और मोदी जी के लिए ऐसा स्पीच दिया ऐसा भाषण दिया जो शायद मोदी जी के लिए यूपी में जड़ी बूटी का काम कर सकता है जी हाँ आने वाले 2019 हज़ार उन्नीस चुनाव को लेकर मुलायम सिंह यादव ने एक बहुत बड़ा बयान मोदी जी के लिए दिया इस वीडियो में हम उस बयान का विश्लेषण करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो बयान मोदी जी के लिए जड़ी बूटी का काम करेगा और किस तरह से वो बयान सपा और बासपा के गठबंधन में खलल डाल सकता है तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज लोकसभा सत्र का सुमित्रा महाजन की उपस्थिति में अंतिम दिन था और इसी बीच सभी नेताओं ने अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर अपने हो अपने विचार रखे तो वहीं सपा के कुछ सांसदों ने कल जो अखिलेश यादव जी के संग हुआ था उसका विरोध किया उसका विरोध प्रदर्शन किया और उसमें ऐसा बताया कि लोकतंत्र खतरे में है लेकिन इन्हीं सबके बीच सोनिया गांधी मतलब कि कांग्रेस की चेयरमैन के बगल में माननीय मुलायम सिंह यादव जी बैठे थे जब उनकी बारी आई स्पीच देने की तो सबने सबसे पहले यही सोचा था कि मुलायम सिंह यादव जी भी कल अखिलेश के साथ जो हुआ उसके बारे में बोलेंगे और बीजेपी के अगेंस्ट बोलेंगे और बताएंगे कि ये जो सब हुआ वो ठीक नहीं हुआ अपने विचार रखेंगे इसी मामले को लेकर लेकिन जब वो खड़े हुए अपनी स्पीच को सुनाने के लिए तो सब स्तब्ध रह गए क्योंकि उनके मुख से जो जो बोल निकले वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुलायम सिंह यादव जी आज लोकसभा के अंतिम दिन में इतना बड़ा भाषण दे जाएंगे जो शायद बीजेपी के लिए जड़ी बूटी का काम करेगी आने वाले लोकसभा चुनाव में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या भाषण था मुलायम सिंह यादव जी ने क्या बोल दिया जो शायद अखिलेश को भी अच्छा नहीं लगेगा और अखिलेश ने जिसके संग गठबंधन किया उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो आप सबसे पहले इस क्लिप को देखिए मुलायम सिंह तो देखा आपने सुना कि कैसे मुलायम सिंह ने सबसे पहले मोदी जी को उनके कार्यकाल के लिए बधाई दी फिर उन्होंने यही भी कहा कि आपके जितने सदस्य इस सदन में बैठे हैं मैं कामना करता हूं वो दोबारा चुनकर इस सदन में आए और आप दोबारा से प्रधानमंत्री बने यह सुनकर मोदी जी गदगद हो गए और उन्होंने भी मुलायम सिंह यादव जी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया तो इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं इस बयान से सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो यह है कि क्या इससे राजनीति में कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या यह बयान बीजेपी के लिए जड़ी बूटी का काम करेगा तो तो आप समझिए कि किस प्रकार से बयान बीजेपी के लिए जड़ी बूटी का काम करेगा और अगर देश की राजनीति तो नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को जरूर बदल सकता है मुलायम सिंह यादव जो कि सपा के पूर्व अध्यक्ष हैं पूर्व प्रेसिडेंट हैं अभी वो संरक्षक का काम कर रहे हैं भले ही कमान अखिलेश यादव जी के हाथ में हो लेकिन सपा का हर कार्यकर्ता आज भी मुलायम सिंह को उतनी ही इज्जत देता है जितनी वो पहले देता था मुलायम सिंह जी सपा की रीढ़ की हड्डी हैं उनके इस बयान ने कहीं ना कहीं सपा के कई कई कार्यकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो यह है कि क्या मुलायम सिंह यादव जी माननीय नेताजी अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन से खुश नहीं है तो हमारा मानना यह है कि नेताजी बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि अगर वो खुश होते तो वो यह बधाई मायावती जी को देते ना कि मोदी जी को क्योंकि अखिलेश ने अपने बयानों में बता दिया था अगर वो गठबंधन कर रहे हैं तो मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरे के रूप में दिखाएंगे तो अगर वो कहीं इस गठबंधन से खुश होते तो जरूर वो आज अखिलेश यादव और मायावती के साथ खड़े दिखाई देते जबकि वो अपनी गेंद बीजेपी के पालने में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इस पूरी चर्चा से इस पूरी स्पीच से उनके इस पूरे अभिवादन से एक बात तो साफ हो गई कि मुलायम सिंह जी कहीं ना कहीं महागठबंधन और मोदी के बीच में मोदी को बड़ा मानते हैं वो मानते हैं कि आने वाले चुनाव में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इस महागठबंधन में कोई भी इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो कि मोदी को टक्कर दे सके इसी वजह से उन्होंने आज सदन में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की कामना कर दी आपको क्या लगता है आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में जो मुलायम सिंह जी ने स्पीच दी है सदन में उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा यूपी की राजनीति में अगर आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको लगता है कि महागठबंधन और मोदी के बीच में क्या कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सके तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत